नमस्कार, आपको पता है जो नगर पंचायत चुनाव बिरौल का जो है अभी नामांकन हो चुका, उसके बाद जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपने आप में चुनाव प्रचार प्रसार में जोर शोर से कैंपियन कर रहा है। उसी के दौरान आज हम लोग बगाही आए हुए थे, नगर पंचायत बिरौल का ये बगाही गांव है जहां हम लोग आए। आते समय तो हमको ऐसा लगा, जो आश्चर्य ये हुआ जो आखिर ऐसा कौन सा था सर्वेयर जिसने इस गांव को जो है नगर पंचायत में जोड़ दिया। खैर, जोड़ दिया। यहां पे देखने के बाद आपको भी लगेगा जो विकास नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं हुआ है। प्रत्याशी अनेकों खड़े हैं और सब प्रत्याशी अपने आप में जोर लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं, जो हम जीते हम जीते। लेकिन यहाँ आने के बाद जनता से सब वादा करके जा रहा है, लेकिन ऑन मीडिया कोई भी वादा करने के लिए या आने के लिए तैयार नहीं है। प्रत्याशी क्यों नहीं है ये तो समझने वाली बात है। कोई भी प्रत्याशी कैमरा के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा के सामने आकर के कोई बताना नहीं चाह रहा है जो हम क्या करेंगे जनता के लिए और हम क्यों खड़ा हुए हैं और किस उद्देश्य से या उम्मीद से खड़ा हुए हैं। आज हमें यहाँ पे सुमन आचार्य उर्फ लड्डू लाल मिल गए हैं, जो लड्डू लाल के नाम से ज्यादा फेमस है। तो आज इनसे ही बात करेंगे जो कौन से पद के लिए आपने नामांकन पर्चा भरे और कौन से उम्मीदवारी के लिए आप कौन सा पद पे आप उम्मीदवारी जता रहे हैं और क्या उम्मीद के साथ आप इस गांव में जो घूम रहे हैं। तो आने में आपको तकलीफ भी हुआ है कि नहीं यहाँ, और आप जीतिएगा तो इस गांव के लिए क्या कीजिएगा। लड्डू जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। मैं उप मुख्य पार्षद में खड़ा हुआ हूँ और मेरा लक्ष्य है गरीब पिछड़ा जो शोषण हुआ है वह अब नहीं होगा। उप मुख्य पार्षद का पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं होता, वैल्यू होता है अगर आपको बुझने आता हो। अगर किसी समाज को बुझने आता है तो बहुत वैल्यू होता है। मगर क्या है, यहाँ जो भी माने चुन के आते हैं वह गरीब को शोषण ही करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि यह नगर पंचायत के लायक नहीं है और मैं खड़ा हुआ हूँ। और मेरा कहना यह है कि मैं विकास के लिए खड़ा हुआ हूँ, विकास करूंगा। लड्डू जी, ये बताइए, ये नगर पंचायत का तो दर्जा इस गांव को मिल गया, ये बगाही गांव है, लेकिन आज तक इसमें सारे सुख सुविधा से वंचित है। जहां तक आप नजर दौड़ाइएगा ये महादलित का बस्ती है और यहां पर मैं आज तक इनको कोई भी प्रत्याशी चाहे पंचायती चुनाव में हो चाहे ये नगर पंचायत की हो, सब शोषण ही किया। आज तक इनके लिए कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो जैसे हमारे पहले के भी सरकार और ये सरकार भी, मौजूदा सरकार भी, जैसे इंदिरा आवास नाम चीज की योजना मिलता था या शौचालय मिलता था लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत, आज तक कुछ इनको मिला नहीं है। सब सुख सुविधा से वंचित है। आप जहां तक नजर दौड़ाइए घास फूस का ही घर मिलेगा आपको। तो क्या इनको कब न्याय मिलेगा और क्या उम्मीद ये रखे आप लोगों से? कल क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में मुझे पता नहीं। आज हम नगर पंचायत से जुड़े हैं और आज हम रहे या न रहे आवाज हर हमेशा ब्लॉक में उठाते आया हूँ, उठाता रहूंगा। रहा अब यहाँ विकास होगा, जिस भी हाल में हो होगा, चाहे वो मेयर साहब से लड़ने से हो, प्रेम से हो, या जैसे भी हो। किसी भी जनता को एक रुपया, अभी तक मैं 5 साल से बिरौल ब्लॉक में रह रहा हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, ना आज तक किसी को लेने दिया हूँ और ना लेने दूंगा, यह मेरा वादा है। लड्डू जी, एक चीज मुझे बताइए, जो प्रत्याशी तो काफी खड़े हैं, लेकिन ऑन मीडिया के सामने आने के लिए ऑन कैमरा क्यों नहीं चाह रहे प्रत्याशी? आज पहला आप प्रत्याशी है जो ऑन मीडिया कैमरा के सामने आके आप इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत से प्रत्याशी है, हमने बहुत से प्रत्याशी को देखे है, कॉल भी बहुत से प्रत्याशी को किए, लेकिन कोई आने के लिए सामने तैयार नहीं। आखिर वजह क्या है? वजह यही है जो वो लोग चुपचाप रह करके माल, आप समझते ही हैं, हम लोग जोर से बोलने वाले हैं, जोर से बोलेंगे। जो मीडिया पे अगर हम बोल रहे हैं तो कल हमको पब्लिक भी बोल सकता है ना कि आप बोल रहे थे, मगर ऐसा नहीं होगा। कल हम कुछ नहीं थे तो भी आवाज उठा रहे थे, अगर रहेंगे तो भी आवाज उठाएंगे, नहीं रहेंगे तो भी आवाज उठाएंगे। मगर यह दलित का बस्ती है, यहाँ विकास होगा, अब होना है विकास, ठीक है। आप देख लीजिए घर कैसा है, मगर इसमें आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे,
मगर विकास यहाँ दिखाएंगे कि घर पक्का का मकान होगा, जिसको भी मिलेगा। कोई मुखिया जी आधा आधी ले लेते थे, कहाँ से आधा आधी मुखिया जी ले लेते थे, उसके बाद कुछ अफसर ले लेते थे, 10-20 हजार मिलता था, बेचारा क्या करेगा, वो भी अपना खा जाता था, गरीब आदमी है। अगर पूरा का पूरा पैसा मिलेगा यहाँ तो आदमी बना सकता है घर, में पूरा नहीं ना मिलता है, तो इसीलिए यहाँ विकास वंचित है। और देखिए, आपको हम यहाँ की कुछ जनता है, कुछ युवा भी है, शायद पढ़े लिखे भी होंगे, उनसे भी पूछेंगे और उनसे भी जानेंगे जी ये नगर पंचायत का मतलब ये लोग समझ रहे कि नहीं, क्योंकि ये लोग तो खुश हो रहे हैं हमको नगर पंचायत, नगर पंचायत का मतलब क्या है आज तक यहाँ की ग्रामीण को पता नहीं है, तो उनको नगर पंचायत से जोड़ने का मतलब क्या है सबसे पहला। दूसरी बात, हम ये भी आपको दिखाएंगे, यहाँ की घर दिखाएंगे, हम आग्रह करेंगे अपने सहयोगी से जो कुछ घर दिखा दीजिए, कुछ बस्ती दिखाइए जो यहाँ की बस्ती की क्या स्थिति है। और जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ आता है सिर्फ लूटने का काम करता है, इनको सिर्फ एक जो है भरोसा और दिलासा दिलाता है जो हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने किया नहीं।